नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। अब गांव गांव घूम घूम कर पप्पू यादव पुल बनवा रहे हैं, पुल का निर्माण करवा रहे हैं, जो पटना के जल जमाव में लोगों की मदद करके हीरो बने थे। अब वो गांव गांव तक पहुंच रहे हैं। जरा ये तस्वीर देखिए, किस तरीके से पुल का निर्माण कराया गया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं फुलवारी शरीफ के कोरजी की। कोरजी में पप्पू यादव ने अपने पार्टी के फंड को देकर यहाँ पर पुल का निर्माण कराया है, जिससे लोगों को काफ़ी सुविधाएं हो रही हैं। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। इस सभा में पहुँचे हुए हैं पप्पू यादव और उनका सम्मान किया जा रहा है। लोग काफ़ी खुश हैं, उनसे मालाएं पहना रहे हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है। पप्पू यादव ने ही इस पुल का उद्घाटन भी किया। कहीं ना कहीं एक छोटा प्रयास ही है, लेकिन एक अच्छा प्रयास है। गांव गांव में घूम कर लोगों से मिलना और उनकी समस्याओं को दूर करना, एक नेता को ये शोभा तो दे रहा है। कहीं ना कहीं सिस्टम को ये जवाब भी दे रहा है कि सिस्टम को जो काम करना चाहिए वो विपक्ष में बैठा हुआ एक नेता क्यों कर रहा है, और लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। तस्वीरें भी आपने देख ली हैं, किस तरीके से उनका स्वागत किया जा रहा है। उसके बाद क्या कुछ कर रहे हैं जाप सुप्रीमो, सुनिए। ये जब गए थे मेरे पास तो मैंने, मुझे लगा क्या ऐसा संभव है, ऐसा हो सकता है। ये तो पप्पू यादव ने हमेशा करिश्मा दिखाई, इसके भीतर कहाँ बोला कि मैं आया हूँ, मुझे प्रेरणा मिली आपसे और आपसे मैं उद्घाटन कराना चाहता हूँ। मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ के सिविल सोसाइटी जो बुजुर्ग है उनको, यहाँ के जनप्रतिनिधि और यहाँ के उस ऊर्जावान नौजवानों को जिसने जिद ठानी, जिसने जिंदगी बदलने की जिद ठानी, जिसने इतिहास बदलने की जिद ठानी। इतिहास यही होता है और यही इतिहास रहेगा। पप्पू यादव तो दुनिया की मदद करता रहता है, वो मदद नहीं है, वो मेरे जीने का लाइफ है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि यह सरकार को शर्मानी चाहिए, यह नेता एमएलए एमपी को शर्मानी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। एक मिनट भी ऐसी सरकार 70 सालों के अंदर 10 किलोमीटर के मुख्यालय से नजदीक, जहां आम आदमी के लिए, मंदिर के लिए, बराती के लिए, श्राद्ध के लिए जाने का कोई रास्ता ना हो और आदमी तिल तिल के जिए, इससे बड़ा अपमान और इससे बड़ा इस सिस्टम के लिए चुनौती कुछ हो ही नहीं सकती। मैं यही कहता हूं कि सिस्टम और नेता सिर्फ सियासत करता है वोट की और कुर्सी की। हालांकि खबरें ये निकल के आ रही हैं कि आज़ादी के बाद अभी तक लगता है सरकार की इस पर नज़र नहीं पड़ी थी, इस पुल पर। यहाँ के जो कुछ स्थानीय लोग हैं उनसे बात करेंगे। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रितेश कुमार भारती हुआ। आज़ादी के बाद अभी तक यहाँ पर पुल नहीं बना? जी नहीं। कितने पुल कैसे आते थे जाते थे? हम लोग एक छोटा सा वहाँ पे पटरी है पोल का रखा हुआ, जिससे इस गाँव की पूरी आबादी उससे आना जाना करती थी। जो गाँव की सबसे ज़्यादा आबादी थी उसी से आते। कितने लोग उसमें गिर के दुर्घटना में पैर हाथ भी बुजुर्गों का बच्चों का टूटा है जी। हम लोगों के द्वारा कोरजी सेवा संघ, जिनके पप्पू यादव जी निर्धारित कर रहे हैं, उनके द्वारा और हम लोग का सहयोग और वो गाइडलाइन उनके कुछ फंड द्वारा हम लोगों ने ये पुल बनाया है। सरकार पक्ष ने इसमें कोई कोई नहीं, उन्होंने भगा दिया मुझे। मैंने श्याम रजक जो हमारे इस पंचायत के विधायक हैं उनके पास मैंने गया, बस सहयोग राशि मैंने माना। उन्होंने कह दिया कि घर घर पुल नहीं बन सकता है और उन्होंने बेइज्जत करके भगाया। ये भी नहीं सोचा कि हमारे पंचायत के जनता है। देखिए जिस तरीके से जनता का आक्रोश है, कहीं ना कहीं अच्छा सत्ता का ध्यान आज नहीं, सत्ता नहीं। सत्ता और यहाँ जो लोकल एमएलसी एमएलए हुए हमारे श्याम रजक और लोकल सांसद रामकृपाल यादव के अपेक्षा के कारण हम लोग बहुत निराश हो गए थे उसके। नहीं, नहीं, ठीक है, अभी रामकृपाल यादव और श्याम रजक बने हैं, ठीक है, ये अच्छी बात। इससे पहले तो आरजेडी की सरकार नहीं, इससे पहले भी इस गांव की हमेशा अपेक्षा की गई है और ये पुल आज तक किसी सरकार नहीं, आज तक किसी सरकार नहीं, आरजेडी की हो या किसी के, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो मतलब व्यक्तिगत रूप से पप्पू यादव ने व्यक्तिगत रूप से और हमारा जो ये क्लब है कोरजी सेवा संघ, ये सारे मिल के हम लोगों ने ये पुल का निर्माण कराया। जो भी सरकार है आई इधर से गुजरी, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया और ये अभी तक नहीं बना। हालांकि सिस्टम के लापरवाही के कारण जो लोग यहां पर मौजूद थे उनसे हमने आपको सुनवाया क्या थी इनकी मजबूरियां और क्यों पप्पू यादव को गांव-गांव में घूमकर पुल बनवाना पड़ा।